उत्तर प्रदेश में अमरोहा की डिडौली कोतवाली में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, गाजियाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शनिवार की शाम हत्या के मामले में नामजद हुए परवेज पाशा पर गाजियाबाद के ही महानगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करते हुए गोलियां बरसाने का आरोप है। शनिवार को दोनों नेता अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में पार्टी की बैठक में शामिल होने आए थे, जहां इन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर 5 राउंड फायरिंग कर वहां दहशत का माहौल बना दिया गया। हालांकि घटना के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। डिडौली कोतवाली इलाके के हटौवा गांव में मजलिस के प्रदेश महासचिव शमीम अहमद तुर्क के घर पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, जहां पर गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मनमोहन झा पहुंचे थे। अमरोहा के पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। दोनों के बीच पार्टी में पद को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। मीटिंग के दौरान दोनों में कुछ कहासुनी हो गई और विवाद इस कदर बढ़ गया कि परवेज पाशा ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से मनमोहन झा पर हमला कर दिया। फायरिंग में एक युवक के हाथ में गोली लग गई, उसे मामूली चोट आई है। वहीं पार्टी पदाधिकारियों ने डिडौली थाने में जाकर पूर्व जिलाध्यक्ष के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने परवेज पाशा के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंधाधुंध फायरिंग करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह थाने पहुंची और मामले की जानकारी पुलिस को दी। उधर घटना के बाद COCT समेत कई पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी देते हुए COCT विजय कुमार राणा ने बताया कि AIMIM गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा की तहरीर के आधार पर डिडौली कोतवाली में परवेज पाशा समेत 3 अज्ञात के खिलाफ 307 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मनमोहन झा ने घटना के बाद वीडियो जारी कर कहा कि मैं तो समझता था कि गोली बंदूक की राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज भी लोग बात बात पर गोली चलाने का काम करते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में सब लोग बैठे थे, वहां मैं भी बैठा था। अचानक वो परवेज पाशा आए, उनके साथ 2-4 लोग और भी थे। पहले मुझ पर लात घूसों की बरसात की, फिर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए और कहा कि इन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।